हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपने पहले साल के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ गाइस, ईशान हूं। तो स्कॉलरशिप में जब मैंने पहली बार अप्लाई किया था 2019 में, मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ था, तो बहुत लोगों ने पूछा था कि सर आपका रिन्यूअल का तो हमने देख लिया ओरिजिनल वाला, अपना पहला जब अप्लाई किया था उसका हमें दिखाइए। तो उसका ओरिजिनल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जेरोक्स है, तो जेरोक्स मैं आपको आज के साथ शेयर करूँगा। तो जेरोक्स में बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मेरा फोटो आप देख सकते हो, बहुत ही पुराना फोटो है, वो तब का एचएस का वाला फोटो मैंने लगाया हुआ था, क्योंकि तब मैं बच्चा था। ठीक है, अभी तो मेरा जो आपने जो नया वाला वीडियो देखा था उसमें तो मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था, तो बेसिकली मेरा जीसी कॉलेज की यूनिफॉर्म वाला फोटो मैंने लगाया हुआ था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास नहीं था कॉलेज वाला फोटो, तो मैंने ऐसे ही कोई रैंडम फोटो दे दिया था, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स में सेम टू सेम कोई बदलाव नहीं है। पहले आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, सोन, जो भी मैंने अपने रिन्यूअल में करवाया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको एक बार आप अगर पहली बार जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, जो चीज़ें अगर आपकी सही हो गई तो आपको सेम टू सेम अगले साल भी कॉपी करके फॉरवर्ड करना है। उसमें अगले साल से आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, बस आपको कॉपी करवाना है सारी चीज़ें जो आपने पहले साल करवाई थी। ठीक है, तो मैंने भी वैसा ही किया, पहले साल का जो वाला था उसी को मैंने बस कॉपी करके करके कंटिन्यू करवाया। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते देख लो कौन सी चीज़ें हैं। दैट आई एम ए बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ एंड हैव बीन परमानेंटली रिसाइडिंग एट द अबव मेंशन एड्रेस अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ काचा डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो भी चीज़ें थी सेम टू सेम कोई बदलाव नहीं है। नंबर टू देखिए, दैट आई हैव बीन रिसाइडिंग अबव मेंशन एड्रेस, जो भी मेरा बर्थ था वो भी सेम है। तीसरा पॉइंट जो है, दैट माई फादर नेम हैज बीन रिकॉर्डेड इन द वोटर लिस्ट हैविंग वोटर आई डी नंबर, जो भी सारे डिटेल्स लिखे थे सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं की गई थी। पहले साल में जो मैंने करवाया था वही मैंने सेकंड ईयर में करवाया, वही चीज़ मैंने फाइनल ईयर में भी करवाया। ठीक है, इस साल भी मैंने वही करवाया। दैट दिस एविडेविट इज सोन टू डिक्लेयर द पर्पस ऑफ प्रूफ ऑफ माई एड्रेस एंड डी ओ पी फॉर जॉब एंड वेरियस नेसेसरी पर्पसेस। और चौथा जो है, द फोटो फिक्स्ड विद दिस एविडेविट इज माई फोटो। तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करवाई गई हैं, जो चीज़ें हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही रखी गई हैं। उसके बाद देखिए, स्टैंडर्ड मेड अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड आई साइन ऑन दिस डेट ऑन 16th डे। डेट यहाँ पे चेंज है, आप देख सकते हो पहले वाले में 11 तारीख था। ठीक है, 11 अक्टूबर या समथिंग लाइक था कुछ, मैं उतना याद नहीं है मेरे को, लेकिन ये वाला जो मैंने करवाया था 16th डे ऑफ सितंबर 2019 को मैंने करवाया था इसको, बिफोर द मैजिस्ट्रेट। और मैजिस्ट्रेट जो मैंने आपको बार बार बताया, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट काछर। उसके बाद देखिए आपका जो भी एडवोकेट है वहाँ पर आप देख सकते हो, और डिपेंडेंट आप देख सकते हो, मेरा सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये रहा डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूरा मेरा, ये मेरा फर्स्ट ईयर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो मैंने पहली बार अप्लाई किया था ईशान उदय के, तब का है ये, 2019 का मैंने बता दिया। ठीक है, और इससे पहले यानी अपना बोनिफाइड सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट बोनिफाइड सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फर्स्ट ईयर वाला जो जब मैंने रोल नंबर चेंज था अलग था उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, जाके देख सकते हो। और रिन्यूअल वाले तो सारे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको अपना डोमिसाइल तो दिखा चुका हूँ, एविडेविट दिखाऊंगा, इनकम सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, और मेरा फी कार्ड या रिसिप्ट पेमेंट जो भी था कितना पैसा लगता है वो भी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए, ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।